नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो चला है सुबह की ताजा खबरों को जानने का। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा में पास हो गया है। राज्यसभा ने सोमवार को बिल को मंजूरी दे दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर का मतलब पीओके और अक्साई चीन भी है। कश्मीर से 370 हटाने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान अलग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे शक्ति का दुरुपयोग बताया है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर सेल्फ गोल किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मसले पर यूएन निगरानी कर रहा है, ऐसे में यह आंतरिक मामला हो सकता है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सरकार का इस फैसले का सही बताया है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई है। पहले दिन निर्मोही अखाड़े की तरफ से पक्ष रखा गया है। निर्मोही अखाड़े ने मंदिर ऐतिहासिक रूप से अपने पास होने का दावा किया है। निर्मोही अखाड़े ने दलील दी है कि देवता को कानूनन नाबालिग माना जाता है। इसे आधार बनाकर एक पूर्व जज ने उसकी तरफ से 1989 में याचिका दायर की गई थी। यह दलील को यदि मान ले भी तो विवादित जगह पर हमारा ही हक है, हम ही पूजा कर सकते थे, यानी कि देवता की तरफ से याचिका डालने पर हक हमारा है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ राजस्थान सरकार ने बड़ा कानून बनाया है। राजस्थान के विधानसभा ने मॉब लिंचिंग संरक्षण विधेयक को पारित कर दिया है। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि मॉब लिंचिंग में मौत होने पर अब दोषियों को आजीवन कठोर कारावास और 1,05,00,000 रुपए का जुर्माना डाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आवारा गोवंश पालने वालों को 900 रुपए महीना देगी। इस पर पहले से ही सरकार काम कर रही थी, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मसले पर कांग्रेस के अंदर में दो फाड़ हो चुकी है। इस मामले पर कांग्रेस के कई बड़े नेता संसद में अपना विरोध कर रहे हैं तो कई युवा नेता इसके समर्थन में भी दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार का समर्थन किया है। पाकिस्तान में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को समान नागरिकता नहीं माना जाता है। भारत ने पहले ही कश्मीर से स्पेशल स्टेट्स का दर्जा वापस लेने का पहले ही प्लान बना रखा था। कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले से बौखलाए हुए पाकिस्तान इमरान खान कर सकते हैं जंग की बात। केंद्र शासित लद्दाख के गठन पर चीन ने विरोध जाहिर किया था कि इस पर भारत ने दो टूक जवाब देते हुए चीन के विरोध को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राजीव कुमार ने कहा है कि भारत अन्य देशों के आंतरिक मसले पर टिप्पणी नहीं करता है, तो इसी तरीके से यह उम्मीद करता है कि वह अन्य देश भी ऐसा न करें। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार घरों की बिक्री के तेजी लाने और इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के लिए 59 मिनट में लोन देने की तैयारी शुरू करने वाली है। वित्त मंत्रालय को बैंकों की तरफ से एक प्रस्ताव मिला है जिसके बारे में यह फैसला लिया जाएगा। सरकारी बैंकों के चेयरमैन, MD और CEO के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह प्रस्ताव मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट और घरेलू बाजार में डिमांड घटने से सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सोना 163 रुपए सस्ता होकर के 36,807 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी 80 रुपए घटकर के 43,020 रुपए प्रति किलो पर रह गई है। जम्मू कश्मीर में धारा 144 जारी रहने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर दूसरे शहरों से आए यात्री और श्रद्धालु खुद को कठिनाई में महसूस कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसिक सर्विसेज बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को तोहफा दिया है। RBI एक गाइडलाइन लेकर के आया है जिसमें से हर तरीके के सभी प्राइम सरकारी बैंकों में बेसिक सर्विसेज अकाउंट और सभी राज्य और केंद्र शासित बैंकों में इस नए नियम को माना जाएगा। अकाउंट होल्डर को इसका लाभ 1 सितंबर से मिलेगा। RBI ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर को फ्री में बैंकिंग सुविधाएं दी जाएगी। जीरो बैलेंस अकाउंट में कितना भी पैसा रखे इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। इस पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट को आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं।